मैं हूँ सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बीच बीच में चतुर्मास के नियमों के बारे में और जरूरी जानकारियों के बारे में अवगत कराती रहूंगी, तो इसी विषय में मैं आपको आज याद दिलाने आई हूँ कि अगर करना है आपने तुलसी विवाह तो क्या लिखा है कथा में। कार्तिक मास में स्पष्ट लिखा है कि कार्तिक मास की कथा में स्पष्ट लिखा है कि अगर आपने विवाह करना है तो तुलसी कैसी होनी चाहिए, उसका कैसे चयन करें। श्रावण मास में बोई हुई तुलसी, जो तुलसी श्रावण मास में बोई यानी इस मास में जिस तुलसी को बोया गया हो, आपको उस तुलसी का चयन करना है और कार्तिक मास आने पर आपने उसका विधि विधान से विवाह करना है। इस विषय में, विवाह के विषय में मैंने पहले भी बहुत अच्छी जानकारी दी है, उसको आप अभी से देख सकते हैं। और अगर आप विवाह के समय में इंस्टेंटली कोई तुलसी ढूंढते हैं और नन्हा सा पौधा लेते हैं तो वह विवाह मान्य नहीं होता। तुलसी कैसी होनी चाहिए जो मंजरी से भरपूर हो। तो कृपया अगर आपके पास अभी भी तुलसी नहीं है, श्रावण मास है, आप कहीं से भी पौधा अरेंज करिए, उसको लगाइए और विवाह करना चाहते हैं वो तो करना ही होगा, ठाकुर जी और तुलसा जी का मिलन तो कराना ही होगा, तभी हमें उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो आप अभी से अपनी तुलसी जी की स्थापना कीजिए। नमस्कार।